हेलो माय डियर व्यूअर्स, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए और रोमांचक एपिसोड में, जहां पर हर हफ्ते हम आपके लिए लेकर आते हैं ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी नई कहानियां और जानकारियां। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज के टाइम्स ड्राइव शो में पहले आपको मिलवाएंगे मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के रीबैच्ड अवतार टोयोटा टाइजर से, और उसके बाद रखेंगे आमने सामने कम्यूटर सेगमेंट के दो धुरंधर, हीरो की एक्सट्रीम 125 और टीवीएस की रेडर 125 को। हाँ, बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं जब हम बलेनो और ग्लांजा, इनविक्टो और हाई क्रॉस, अर्टिगा और रूमियन, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा, और अब फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर को आमने सामने रखते हैं। बहुत कुछ सेम है, डिज़ाइन वगैरह और काफ़ी चीज़ें भी दोनों गाड़ियों में सेम देखने को मिलती है, लेकिन इस कोलैबोरेशन के बाद से अगर सेल्स के आंकड़ों की बात करें तो टोयोटा को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तकरीबन 40% से ज़्यादा की सेल्स टोयोटा की इंक्रीज़ हुई है, और ग्लांजा जो है उनकी लाइनअप में एक बहुत ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन चुकी है, तो वो मामला वहाँ पर टोयोटा के लिए सॉलिड है। लेकिन अब हाल ही में टोयोटा ने टाइजर को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि फ्रॉन्क्स का एक रीबैच वर्जन है। तो क्या चेंजेस इस टाइजर में देखने को मिलते हैं फ्रॉन्क्स के मुकाबले, क्या एक्स्ट्रा है और क्या चीज़ें इसमें मिसिंग है जो हमें फ्रॉन्क्स में देखने को मिलती हैं, और कीमतों में भी जो थोड़ा बहुत अंतर है वो फ्रॉन्क्स और टाइजर में देखने को मिलता है, बात करने वाला हूं मैं उन सभी के बारे में आपसे इस वीडियो में। वीडियो के अंत में बताऊंगा हमेशा की तरह आपको तीन धासु और तीन नॉट धासु एलिमेंट्स अबाउट द टोयोटा टाइजर। तो फटाफट जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रिल और बम्पर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगा फ्रॉन्क्स के मुकाबले। यहाँ पे वही हाई क्रॉस वाला ग्रिल वाला फील आपको देखने को मिलेगा, पैन ब्लैक प्लस क्रोम एलिमेंट्स, एंड ऑल्सो जो DRL का डिज़ाइन है वो भी डिफरेंट आपको फ्रॉन्क्स से यहाँ पर इसमें देखने को मिलने वाला है टाइजर के अंदर। फिर साइड की बात करें तो जो मेजर चेंज साइड में है वो है इसके अलॉय व्हील्स। साइज़ वगैरह सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस व्हील साइज में नहीं है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन डिफरेंट देखने को मिलता है, एंड मुझे जो डिज़ाइन है अलॉय व्हील्स का फ्रॉन्क्स के मुकाबले इस टाइजर का ज़्यादा बेटर लग रहा है। किसका आपको ज़्यादा बेटर लगता है वो भी आप बताइएगा हमें। इसके अलावा साइड प्रोफाइल वगैरह जो डिज़ाइन है, यहाँ पे रूफ रेल्स वगैरह हैं, सब कुछ सेम है। क्रोम एलिमेंट्स डोर के आसपास दिए गए हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलते हैं, एंड क्लैडिंग भी आपको थ्रू आउट इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। अब मारुति का इस गाड़ी को लाने का पर्पस बेसिकली यही था कि हैचबैक वाले सेगमेंट में थोड़ा सा SUV फील देकर, थोड़ी बेटर ग्राउंड क्लियरेंस देकर एंड थोड़ा सा प्रीमियम एलिमेंट्स देकर इस गाड़ी को मारुति ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड ऑल्सो इसमें एक 1 लीटर का बूस्टर जेट यानी कि टर्बो इंजन भी मारुति ने इंट्रोड्यूस किया था, जो कि इस टोयोटा की टाइजर में भी देखने को मिलता है। अब रियर में भी चेंज बहुत ही माइन्यूट सा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा। थोड़ा सा इसके टेल लैंप वाले जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कनेक्टेड लाइट वगैरह दी गई है वो सब भी आपको यहाँ पे टोयोटा इस टाइजर में फ्रॉन्क्स की तरह ही ऑफर कर रही है। अर्बन क्रूजर टाइजर टोयोटा इसको बोल रही है, एंड ये जो वी वेरियंट इसका टॉप वेरियंट है, नियो ड्राइव यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड वाला एंगल भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन में कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। अब अंदर जो है वहाँ पर भी जो मामला है इन टर्म्स ऑफ कैबिन फीचर्स वगैरह की बात करें तो वो भी एकदम सिमिलर है, लेकिन क्या क्या ऑफर टाइजर में करा जा रहा है, किस तरह का इंटीरियर है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। अब इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं फटाफट, कुछ जो मेजर फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको 9 इंच का स्क्रीन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको वायरलेस एंड ऑटो एप्पल कारप्ले के ऑप्शन मिल जाते हैं, एंड स्मार्ट प्ले कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स के बटन हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, कप होल्डर्स, USB-A चार्जिंग पॉइंट, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, 2 डायल्स हैं, सेंटर में MID है, फुल डिजिटल होता है ज़्यादा बेटर लगता है, एंड सेम फ्रॉन्क्स वाला ही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें ये HUD डिस्प्ले भी देखने को मिलता है, जो अगेन फ्रॉन्क्स में ऑफर करा जाता है। इंटीरियर की बात करें तो देखने में जो कैबिन का ओवरऑल फील है, यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे किस तरह का मामला है, इसमें आपको ग्रे, यहाँ पे कुछ इस तरह का मरून टोन देखने को मिलेगा, एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो ये मामला कुछ इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर है। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है थोड़ी बहुत मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे पूरे डिजिटल अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता तो ज़्यादा बेटर लगता है। मैग्नेट और कायर जैसी गाड़ियों में वो आता है, लेकिन यहाँ पे मारुति या फिर टोयोटा भी अब इसमें ऑफर नहीं कर रही है। इसके अलावा जो है सनरूफ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, सीट्स जो है वहाँ पे लेदरेट का ऑप्शन नहीं है। अगर टॉप रेंट की बात करें तो ये भी एक मिसिंग एलिमेंट मुझे देखने को इसमें मिलता है। इसके अलावा जो और मिसिंग एलिमेंट है वो है इसकी रियर सीट में जो है आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग लगती हैं, लेकिन मोटा मोटा गाड़ी का जो ओवरऑल इंटीरियर और कैबिन का फील है वो प्रीमियम लगता है। ओवरऑल
जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो देखने को यहाँ पे मिलती है। एक और जो मिसिंग एलिमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा अड़चन ड्राइव के दौरान जो डालता है वो है, यहाँ पे आप व्यू देख रहे हैं जो ये रियर व्यू मिरर है और स्क्रीन के बीच का ये छोटा सा एरिया रह जाता है, काफ़ी ब्लॉकेज यहाँ पर स्पेशली इस रियर व्यू मिरर की वजह से होती है। तो ये मुझे लगता है एरिया थोड़ा सा बेटर मैनेज होता तो ड्राइव के दौरान थोड़ी सी कन्वीनियंस या विजिबिलिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। अब इंटीरियर एक्सटीरियर के अलावा कुछ और जो चेंजेस हैं उनकी बात करें, सबसे पहले जो है कलर ऑप्शन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे फ्रॉन्क्स और टाइजर के अंदर। टाइजर में जो है आपको 5 मोनोटोन और 3 ड्यूल टोन का ऑप्शन मिलते हैं, जबकि जो फ्रॉन्क्स है वहां पर आपको 6 मोनोटोन और 4 ड्यूल टोन के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो वो आपको टाइजर में नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ फ्रॉन्क्स में मिलेगा। तो थोड़े से कलर ऑप्शन हालांकि फ्रॉन्क्स में आता है, लेकिन अगर आपको ड्यूल टोन में इसका व्हाइट और ब्लैक चाहिए तो वो आपको सिर्फ टाइजर में मिलने वाला है, वो आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ कलर कॉम्बिनेशंस आपको ब्रांड के हिसाब से देखने को मिलेंगे, जो आपको चाहिए टाइजर में वो यहाँ पर कुछ अलग मिलेगा और फ्रॉन्क्स में कुछ अलग आपको कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है अंतर जो है वो है वेरियंट्स को लेकर। इसमें जो है टाइजर में आपको एक जो वेरियंट है कम मिलता है कंपेयर टू फ्रॉन्क्स, एक डेल्टा प्लस वेरियंट का एक्स्ट्रा ऑप्शन मारुति की फ्रॉन्क्स में ऑफर करा जाता है जो कि टाइजर में नहीं करा जाता। एंड इसमें जो आपको सीएनजी जो है वो सिर्फ बेस वेरिएंट पे मिलेगा, जबकि जो सीएनजी का ऑप्शन मारुति की फ्रॉन्क्स में जो है वो बेस में भी है और उसके एक मिड वेरिएंट में भी डेल्टा में देखने को मिलता है। तो वो ऑप्शन वहाँ पे सीएनजी को लेकर इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट एक्स्ट्रा फ्रॉन्क्स में दिया गया है। तो प्राइस का भी अंतर दोनों गाड़ियों में कुछ वेरियंट्स में देखने को मिलता है। अगर टर्बो वेरियंट्स को साइड पर कर दें तो अगर बाकी जो वेरियंट्स हैं तो वहाँ पर 20 से 25 हज़ार के आसपास आपको टाइजर में थोड़े एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे फ्रॉन्क्स के कंपेरेटिवली, लेकिन जो टर्बो वेरियंट्स हैं वहाँ पर टाइजर और फ्रॉन्क्स दोनों के प्राइस सेम रखे गए हैं, कोई अंतर वहां पे नहीं रखा गया। तो ये चीजें भी आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टाइजर और फ्रॉन्क्स की अगर बात करें तो। अब एक और जो फाइनल अंतर है इन दोनों गाड़ियों में वो है वारंटी को लेकर। टोयोटा की गाड़ियों या फिर टाइजर में भी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि जो मारुति की गाड़ियां या फिर फ्रॉन्क्स है वहां पर आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो ये भी एक अंतर इन दोनों गाड़ियों में है इन टर्म्स ऑफ वारंटी। अब इंजन ऑप्शंस की बात करें तो सेम वही इंजन ऑप्शन जो फ्रॉन्क्स में देखने को मिलते हैं वही टाइजर में भी है। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है और 1.2 लीटर नेचुरल स्पिरिट पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिलता है और सीएनजी का ऑप्शन टाइजर में भी टोयोटा दे रही है। इसके अलावा जो गियरबॉक्स के ऑप्शन है 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन आपको दोनों इंजन कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है। 1.2 लीटर जो इंजन है काफी रिफाइंड है और रिलायबल है एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी वो निराश नहीं करता। सिटी में ऑफ कोर्स आपको वो बेटर रिफाइंड, चाहे आप तेज रफ्तार में हैं धीमी रफ्तार में हैं, दोनों ही माहौल में आपको एक रिफाइंड परफॉर्मेंस इस इंजन से निकलता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ा हाईवेज की राइड के हिसाब से तो वहां पर 1 लीटर टर्बो वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। परफॉर्मेंस वहां पर भी अच्छा है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस उस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में भी देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर भी मामला सॉलिड है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार अगर अचानक से भी गड्ढे आते हैं स्पीड बम्प्स आते हैं तो कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। सस्पेंशन सेटअप की अगर ट्यूनिंग की बात करें तो वो भी इस टाइजर में देखने को नहीं मिलती है, उसका भी एक बैलेंस अच्छा इस टाइजर में दिया गया है। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो भी कंफर्टेबल हैं और सीट्स की जो बोल्स्टरिंग है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। आप शार्प टर्न्स वगैरह ले रहे हैं तो वहां पर भी सीट्स का जो होल्ड है वो अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं धांसू और नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स, क्या लगे मुझे इस टाइजर को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स की, इसमें से पहला है अंदर जो है कुछ चीज़ें मिसिंग है। इसमें आपको रियर में जो है पैसेंजर्स के लिए रियर सीट में आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, जो कि फ्रॉन्क्स भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी में वो रियर आर्मरेस्ट होना चाहिए था। सो दैट इज द फर्स्ट नॉर्थ धांसू एलिमेंट। देन दूसरा नॉर्थ धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेके। इसमें जो आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, जो कि फ्रॉन्क्स में भी नहीं मिलता। अगेन प्राइस वाली बात जब आती है तो मुझे लगता है इससे कम प्राइस की गाड़ियों में अब वो ऑफर करा जा रहा है, तो यहाँ पर भी होता तो थोड़ा और बेटर पैकेज ये गाड़ी की बन सकती थी। एंड फाइनल नॉर्थ धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है सनरूफ और जो लेदर सीट्स का ऑप्शन है वो इसमें मिसिंग देखने को मिलता है। टॉप एंड में भी ये ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टाइजर के बारे में। देन डिज़ाइन को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। फ्रंट साइड रियर प्रोफाइल देखें तो तीनों एंगल से मुझे गाड़ी का डिज़ाइन अच्छा देखने को मिलता है। ऑल्सो जो इसका एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है, अगेन आई एम सेइंग फ्रॉन्क से मुझे बेटर इसके एलॉय व्हील्स लग रहे हैं। देन अगला धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके 1 लीटर जो टर्बो इंजन है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। शुरुआत से ही टॉर्क डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, पावर काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर भी कोई शिकायत मुझे इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी इस 1 लीटर टर्बो में देखने को नहीं मिली है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके इंटीरियर या कैबिन फील को लेकर। जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशन हैं, जिस तरह का प्रीमियमनेस थोड़ा बरकरार रखने की कोशिश करी गई है एंड स्पेस भी अच्छा खासा कैबिन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी मामला मुझे सॉर्टेड दिखाई देता है।
ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस टाइजर की, तो एक जो मेजर एडवांटेज जब से कोलैबोरेशन हुआ है वो टोयोटा की गाड़ियों के पास ही है, वो है वारंटी को लेकर। और वही सेम एडवांटेज इस टाइजर में भी देखने को मिलता है, जो कि 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आपको इस टोयोटा की गाड़ी मिलती है। वहीं मारुति की जो फ्रॉन्क्स है वहां पर आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। सो बेटर पीस ऑफ माइंड मुझे लगता है इस वारंटी के थ्रू आपको टोयोटा की इस गाड़ी में मिलने वाला है या टोयोटा के और प्रोडक्ट्स में मिलता है। लेकिन यस, कुछ चीज़ों में मिस आउट करती है, जो कि सेम चीज़ें फ्रॉन्क्स में मिसिंग थी वो यहाँ पर भी हमें मिसिंग देखने को मिली हैं। लेकिन अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें, ओवरऑल कैबिन फील की बात करें, फीचर्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें एंड ऑल्सो ये एडिशनल वारंटी की बात करें, तो मुझे लगता है इन मायनों के हिसाब से अगर आप कोई गाड़ी तलाश रहे हैं इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में, तो मुझे लगता है इन मायनों के हिसाब से टोयोटा की टाइजर एक वेल राउंडेड और एक रिलायबल पैकेज आपके लिए बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार रखेंगे आमने सामने हीरो की एक्सट्रीम 125 और टीवीएस की रेडर 125 को। मिलते हैं ब्रेक के उस पार। हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के एक और वीडियो में। और आज के हमारे इस वीडियो का मुद्दा है 125 सीसी सेगमेंट की दो मोटरसाइकिल्स के बीच की कंफ्यूजन को दूर करने का, जहां एक तरफ है हीरो की एक्सट्रीम 125 आर और दूसरी तरफ है टीवीएस की रेडर 125। किस तरह के फीचर्स, किस तरह की परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद देखने को मिल रहे हैं। बात करने वाला हूं उन सभी के बारे में मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा 3 धांसू और 3 नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन रिव्यू की। शुरुआत दोनों मोटरसाइकिल्स में किस तरह का डिजाइन ऑफर करा गया है वहीं से करते हैं। सबसे पहले एक्सट्रीम की बात करें तो यहां पर आपको कंप्लीटली आपको वो नेकेड स्पोर्ट्स बाइक वाला फील आएगा, जो जिस तरह के पैनल्स में दिए गए हैं, अग्रेसिव डिजाइन फ्रंट से ही देखने में लगता है। थोड़ा बहुत आपको ट्रायम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल आर की में भी फीलिंग आए इस बाइक से, बट कुछ इस तरह से डिजाइन दिया गया है। डीएल फ्रंट में यहाँ दिए गए हैं एंड पैनल्स जो है काफ़ी इस्तेमाल करे गए हैं। फ्रंट साइड अगर रियर की ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में ये कलर यहाँ देखने को मिल रहा है एंड नीचे आपको जो मडगार्ड दिया गया है वो भी आपको ग्लॉस और मैट फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलता है। ABS हीरो इस बाइक में ऑफर करती है एंड डिस्क ब्रेक जो है फ्रंट में आपको दी गई, जिसमें आपको ABS मिलता है। वहीं TVS की रेडर की बात करें तो डिज़ाइन यहाँ पे आपको स्पोर्टी देखने को मिलेगा, लेकिन उतना अग्रेसिव कंपेयर टू एक्सट्रीम देखने को नहीं मिलेगा आपको। वो स्पोर्टी प्लस सोफिस्टिकेशन का मिक्स इसके डिज़ाइन में देखने को मिल जाएगा। देन DRLs यहाँ पे कुछ इस तरह दिए गए हैं, देखने में ये कूल जरूर फ्रंट का। इसका हेडलैम्प का ओवरऑल जो क्लस्टर है देखने में लगता है, LED हेडलैम्प्स दोनों ही बाइक्स देखने को मिलते हैं। जो मडगार्ड है यहाँ पर भी पियानो ब्लैक प्लस मैट ब्लैक फिनिश कॉम्बिनेशन के साथ दिया गया है। फिर फ्रंट फोक्स की बात करें तो दोनों ही बाइक्स में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाएंगे। ABS हालांकि इसमें नहीं दिया गया, लेकिन सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम TVS इस रेडर में ऑफर जरूर करती है एंड फ्रंट में कुछ इस तरह से आपको इसका डिज़ाइन वगैरह देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल मामला इन टर्म्स ऑफ फ्रंट डिज़ाइन कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। अगर आपको कंप्लीटली स्पोर्टी डिज़ाइन चाहिए तो यहाँ पर वो एक्सट्रीम में हीरो ऑफर कर रही है, लेकिन आपको स्पोर्टी प्लस सोफिस्टिकेशन वाला मिक्स चाहिए तो ये आप रेडर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ एक्सट्रीम में जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पैनल्स बहुत आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे 125 की बैजिंग है, एक्सट्रीम की बैजिंग इसके फ्यूल टैंक के टॉप पे दी गई है। ये भी प्लास्टिक का पैनल यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है एंड ओवरऑल जो कवर है पूरा प्लास्टिक का ही इसके टैंक में यहाँ कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे हीरो की ब्रांडिंग ये ब्लैक में थोड़ा सा आपको ग्रे कॉम्बिनेशन साइड में देखने को मिल जाएगा एंड ऑल्सो इंजन का जो ओवरऑल आउटलुक है वो यहाँ पे ब्लैक प्लस सिल्वर कॉम्बिनेशन आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर ओवरऑल पीछे की तरफ आए तो वही शार्प डिज़ाइन लैंग्वेज, स्पोर्टी डिज़ाइन लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। स्प्लिट सीट दी गई है। एक छोटा सा इशू मुझे लगा यहाँ पे, ये गैप वगैरह इसकी पीछे वाली जो सीट है पिलियन सीट है यहाँ पे गैप काफ़ी है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा फिट एंड फिनिश का मामला यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ है। एग्जॉस्ट सेल की बात करें तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सा है एंड स्पोर्टी डिज़ाइन यहाँ पर भी इसमें देखने को मिलता है। और वहीं रेडर के साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको थ्रू आउट वो स्पोर्टी डिज़ाइन लैंग्वेज या कहें कि अग्रेसिव डिज़ाइन लैंग्वेज एक्सट्रीम वाली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन स्पोर्टी प्लस अगेन सोफिस्टिकेशन वाला मिक्स यहाँ पर इसकी साइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है। रेडर की बड़ी सी ब्रांडिंग है एंड
ग्लॉस ब्लैक प्लस मैट ब्लैक का कॉम्बिनेशन साइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत ये ग्रे एलिमेंट भी साइड में इसमें दिया गया है। एक चीज़ जो थोड़ी सी बेहतर मुझे लगी कंपेयर टू एक्सट्रीम यहाँ पे, वो है इसमें आपको फिट एंड फिनिश एक तो काफ़ी बेटर देखने को मिलेगी, जो एक एरिया मैं बता रहा था वहाँ पे स्पेशली। एंड जो इंजन है वो कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट रखा गया है। यहाँ पे मुझे जो कॉम्बिनेशन जो सिल्वर ब्लैक वाला दिया गया है थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बट ओवरऑल ब्लैक आउट कॉम्बिनेशन मुझे ज़्यादा बेहतर बाइक में ओवरऑल देखने को मिल रहा है। तो एग्जॉस्ट टेल की बात करें तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा बल्कि चंकी आपको देखने को मिलेगा, उतना कॉम्पैक्ट या स्पोर्टी नहीं है, बट ओवरऑल यहाँ पर कुछ इस तरह से ये ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन एग्जॉस्ट में भी देखने को मिल जाता है। अब दोनों मोटरसाइकिल्स के रियर सेक्शन की बात करें तो टेल लैंप्स की बात करें तो एलईडी यहाँ पे दिए गए हैं, इंडिकेटर्स जो है वो भी यहाँ पे एलईडी देखने को मिलते हैं, जबकि रेडर की तरफ अगर आएँ तो यहाँ पर आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिलेगा। एलईडी का इस्तेमाल यहाँ पर इसमें नहीं किया गया है। टायर के साइज़ की बात करूँ रियर के तो 17 इंच 100 सेक्शन का टायर इसके रियर में दिया गया है रेडर में, एंड 17 इंच 120 सेक्शन का टायर इस हीरो के एक्सट्रीम में दिया गया है। तो पीछे का टायर भी थोड़ा ज़्यादा वाइडर कंपेयर टू रेडर इस एक्सट्रीम में देखने को मिल रहा है। तो ये बात हो गई इन दोनों मोटरसाइकिल्स के डिज़ाइन की। अब कुछ फीचर्स जो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में ऑफर करे गए हैं, किस तरह के हैं, कहाँ ज़्यादा या कहाँ कम देखने को मिल रहे हैं फीचर्स, वो भी आप जानते हैं। फिर अगर बात करें इस रेडर की तो यहाँ पे फीचर्स को लेके मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। स्पेशली स्क्रीन जो है बड़ा है, कलर डिस्प्ले दिया गया है, एंड ऑल्सो इसका जो टॉप पेरेंट है वहाँ पे आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट का ऑप्शन भी मिलता है, यानी कि मोबाइल से कनेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। उसके थ्रू भी आप काफ़ी फीचर्स इसके एक्सेस कर सकते हैं। वॉइस कमांड का ऑप्शन इसमें दिया गया है, एंड मेन्यू में जाएँ तो यहाँ पर आपको ट्रिप मीटर वगैरह, रेंज, एवरेज माइलेज, ये सब इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा टैकोमीटर, फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसमें इसके स्क्रीन पर दिया गया है। यूएसबी चार्जिंग स्लॉट यहाँ पर भी दिया गया है, एक्सट्रीम में भी यूएसबी चार्जिंग स्लॉट ऑफर करा जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपको आई बटन दिया गया है, जो कि आप वॉइस कमांड के लिए जैसे कि मैंने बताया आप यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो एक्स्ट्रा आपको एक्सट्रीम में देखने को मिलेगी वो है हैजर्ड लाइट का ऑप्शन वहाँ पे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो एक्स्ट्रा दी गई है अपार्ट फ्रॉम कलर डिस्प्ले, इसमें आपको राइड मोड्स का ऑप्शन मिलता है, इको एंड पावर दो मोड का ऑप्शन टीवीएस आपको इस रेडर में दे रही है, जो कि आपको एक्सट्रीम में देखने को नहीं मिलता है। तो ये बात हुई कुछ फीचर्स जो इन दोनों मोटरसाइकिल्स में ऑफर करे गए हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और किस तरह का परफॉर्मेंस, राइड हैंडलिंग इन दोनों मोटरसाइकिल्स में देखने को मिल रही है, बात करते हैं अब उसकी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आमने सामने रखने के बाद किस तरह का परफॉर्मेंस, राइड और हैंडलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़ों पर इन दोनों मोटरसाइकिल्स के नजर डालते हैं। अब पावर फिगर्स दोनों ही मोटरसाइकिल्स का ऑलमोस्ट सेम है। टॉर्क जो है स्लाइटली ज्यादा आपको टीवीएस की रेडर में देखने को मिलेगा। 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क टीवीएस की रेडर में जनरेट होता है, जबकि जो हीरो की एक्सट्रीम 125 आर है वहाँ पर 10.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलता है, अराउंड 0.7 न्यूटन मीटर का सिर्फ अंतर है। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर वेट जो है एक और फैक्टर बन जाता है। जो हीरो की एक्सट्रीम 125 आर है उसका वेट है 138 केजी जो कर्व वेट है, जबकि टीवीएस की जो रेडर है वो तकरीबन 15 केजी लाइटर है, यानी कि 123 केजी उसका वेट है। तो वहाँ पर टीवीएस की रेडर में टॉर्क थोड़ा ज़्यादा है, वेट थोड़ा कम है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें वहाँ पर स्लाइटली फास्ट टीवीएस की रेडर कंपेयर टू हीरो की एक्सट्रीम 125 महसूस होती है। और दोनों ही बाइक्स का जो 0-60 है वो 5.9 सेकंड्स का है, लेकिन जो हीरो की एक्सट्रीम 125 आर है वो इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव फील होती है। तो बाइक तेज महसूस होने के साथ साथ थोड़ा इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक्स भी आपको शार्प देखने को मिलेगी। तो वहाँ पर थोड़ा वो एक्स्ट्रा अपील इन टर्म्स ऑफ स्पोर्टी अगर आप अपील चाहते हैं तो आपको वो हीरो की एक्सट्रीम 125 आर में देखने को मिलेगा, बट अदरवाइज थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस आपको टीवीएस की रेडर चलाने के बाद ज़रूर महसूस होगा। अब बात करते हैं कुछ हार्डवेयर की, सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग की बात करें तो वहाँ पर जो है मामला मुझे दोनों ही बाइक्स में ऑलमोस्ट सॉलिड फील हुआ। लेकिन थोड़ा सा एज अगर मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग तो वो हीरो की एक्सट्रीम 125 आर में देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको ABS का ऑप्शन हीरो दे रही है अपनी इस बाइक में, जबकि TVS की जो बाइक है इसमें SBS दिया गया है, यानी कि सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम, लेकिन इसमें जो है आपको ABS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो स्लाइटली बेटर एज मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अगर ब्रेकिंग की बात करें तो वहाँ पर
हीरो के एक्सट्रीम 125R में आपको दिया गया, बट अदरवाइज ओवरऑल दोनों ही माहौल में अगर आप तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, सिटी हाईवे स्पीड्स की बात करें तो वहां पर जो ब्रेक है टीवीएस की रेडर में भी अच्छे से काम करती हुई दिखाई दी थी, बट थोड़ी सी शार्प मुझे ब्रेकिंग हीरो की एक्सट्रीम 125R में देखने को मिली है। ओवरऑल कंफर्ट की बात करूं तो सीट की जो कुशनिंग है दोनों ही बाइक्स में अच्छी है, लेकिन जो स्टांस है मुझे टीवीएस की रेडर का बेटर लगता है। वो राइडर टू राइडर डिपेंड करता है कि आपको किस स्टांस की बाइक चाहिए, किस स्टांस में आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बट मेरे हिसाब से रेडर की जो पोस्चरिंग है, जिस तरह की हैंडलिंग है, वो मुझे कंफर्टेबल फील होती है। बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा सा अग्रेसिव स्टाइल चाहते हैं, थोड़ा सा स्पोर्टी स्टाइल चाहते हैं, तो वहां पर हीरो की एक्सट्रीम 125R में आपको वो देखने को मिल जाएगा। और ओवरऑल कंफर्ट भी दोनों ही बाइक्स में अच्छा दिया गया है, सीट की कुशनिंग अच्छी है, सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी काफ़ी अच्छे से, चाहे छोटे मोटे गड्ढे हों या बड़े गड्ढों से आप निकल रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स है तो वहाँ पर एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी दोनों ही बाइक्स के सस्पेंशन सेटअप में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं धांसू और नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे एक्सट्रीम 125R को और रेडर को आमने सामने रखने के बाद। तो पहले जो इसमें एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा इस टीवीएस की रेडर में वो है फीचर्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कलर दिया गया है एंड फीचर्स के मामले यहाँ पर रेडर एक्सट्रीम से आगे जरूर दिखती है। देन अगला एलिमेंट जो है इन दोनों बाइक्स को आमने सामने रखने के बाद जो सही और कम सही लगा है वो है इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस। राइड के दौरान थोड़ी सी ज़्यादा वाइब्रेशंस यहाँ पर, स्पेशली 5000 RPM के बाद जब जाते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशंस हैंडल बार में, थोड़े फुटपैक वगैरह में महसूस, कंपेयर टू एक्सट्रीम इसमें थोड़े ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। देन तीसरा और फाइनल एलिमेंट जो मुझे लगा है धांसू नॉट धांसू वो है फिट एंड फिनिश को लेकर। स्लाइटली बेटर फिट एंड फिनिश मुझे यहाँ पर इस टीवीएस की रेडर में देखने को मिल रही है कंपेयर टू हीरो एक्सट्रीम 125R। अब ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें कौन सी बाइक किस मायने में ज़्यादा बेहतर देखने को मिली है, तो अगर आप मेरे हिसाब से ज़्यादा फीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो फिट एंड फिनिश थोड़ा बेटर चाहते हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस क्योंकि टीवीएस की रेडर है वहाँ पर कुछ वेरियंट्स का ज़्यादा ऑप्शन है कंपेयर टू एक्सट्रीम 125R। वहाँ पर जो रेडर का प्राइस है 95,000 से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन 103,000 तक इसके वेरियंट्स का प्राइस जाता है, लेकिन जो एक्सट्रीम 125R है उसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है 95,000 से और जाता है इसके ABS वेरिएंट के लिए अराउंड 99,000 के आसपास एक शोरूम प्राइस उसका जाता है। तो वहाँ पर आपको रेडर में थोड़ा एक्स्ट्रा वेरिएंट के ऑप्शन मिलने वाले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव और स्पोर्टी अपील अपनी बाइक में चाहते हैं और इसके साथ साथ थोड़ा सा आप फीचर्स से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन सेफ्टी के मामले में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, वहाँ पे आपको ABS की रिक्वायरमेंट है, तो उन मायनों के हिसाब से हीरो की एक्सट्रीम 125R आपके लिए एक अच्छा पैकेज बन सकती है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए, थोड़ी बेटर फिट एंड फिनिश चाहिए एंड ऑल्सो वेरियंट्स के मामले में भी ज़्यादा ऑप्शन आप चाहते हैं, तो वहाँ पर TVS की रेडर भी आपके लिए एक अच्छा पैकेज बन सकती है। वक्त हो चला है आपसे एक बार फिर से विदा लेने का आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, बस इतना ही, लेकिन आज के शो में दिखाई गई कहानियों जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव के सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर सीट बेल्ट वाइल्ड ड्राइविंग, ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल्ड राइडिंग, ड्राइव सेफ राइड सेफ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू ET Now Swadesh।